बिना सर्वे के अगर आ रही हैं और बिना कार्य के आ रही हैं, जिनका लगातार 5 वर्षों से कोई ना कोरोना काल से पता था ना कुछ भी पता था, तो किस बेस पे टिकट हुई है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकास पुरुष है राजेश वर्मा, उनको फिर से जीते। अरे तो विकास पुरुष हैं तो फिर 18 में चुनाव क्यों नहीं जीते? पन्ना जिला के गुनौर में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके अमित बागरी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दो है। समाजवादी पार्टी की उनने सदस्यता लाई और पार्टी ने गुनौर आरक्षित सीट पे उनको टिकट दी है। पन्ना जिला की आरक्षित सीट गुनौर में भी कलह देखी जा रही है। भाजपा नेता ने बगावत करके सपा को दामन थामे और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची भी जारी करी। जी में गुनौर विधानसभा से पहले जितेंद्र दहायत को टिकट दी गई थी और अब उनको टिकट बदल के अमिताभ बागरी को प्रत्याशी बनाओ गए है और 30 तारीख को भी काफिले के संग नामांकन दाखिल करें। आरक्षित सीट से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में दावेदारी कर रही अमिताभ बागरी ने राजेश वर्मा के टिकट के खिलाफ मोर्चा खोल दो तो और टिकट कटवे के बाद वंशवाद के आरोप लगाए थे भाजपा पे। खरीदा है, चुनाव लड़ने की क्या तैयारी आपकी? चुनाव लड़ने की तैयारी तो मेरी विगत 10 वर्षों से थी। इस बार लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आना चाहिए। भाजपा के आज आपके मुख्यमंत्री आए हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष कह करके गए हैं कि गुनौर में राजेश वर्मा को जिताइए, आप भाजपा की नेता रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो उनका फ़र्ज़ है क्योंकि उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों। बाकी उन्होंने जिस प्रत्याशी को उतारा है, ना हमारी जनता खुश है ना हमारे समर्थक खुश हैं, और अगर उनका कार्यकाल इतना अच्छा होता तो पिछली बार वो विधायक बन चुके हैं। टिकट बेचने के भी आरोप लगाए थे। देखिए क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि जहाँ जिस जिस जगह पे मेरे जिन स्तरों पे बात हो रही थी, मेरे से हर किसी ने इस तरीके की बात की, तो स्वाभाविक सी बात है कि टिकटें बिना सर्वे के अगर आ रही हैं और बिना कार्य के आ रही हैं, जिनका लगातार 5 वर्षों से कोई ना कोरोना काल से पता था ना कुछ भी पता था, तो किस बेस पे टिकट हुई? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकास पुरुष है राजेश वर्मा, उनको फिर से जीते। अरे तो विकास पुरुष हैं तो फिर 18 में चुनाव क्यों नहीं जीते? अभी आपने आम आदमी पार्टी में, आप समाजवादी पार्टी से? नहीं, मैंने कहीं भी आप पता कर ले, मैंने सदस्यता आम आदमी पार्टी की नहीं ली थी। वो मेरे से संपर्क में थे तो कोई भी पार्टी संपर्क कर सकती है। सदस्यता जब मेरी समाजवादी पार्टी में हुई और जब उन्होंने टिकट घोषित कर दी मेरी, तभी मैं किस दल से मैदान में होंगी? समाजवादी पार्टी से। भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? पन्ना जिले में कितनी सीटें जीतेगी? मुझे तो नहीं लगता कि कौन सीट जीतेगी कौन नहीं, लेकिन मुझे गुनौर पता है, गुनौर नहीं जीतेगी। अमिताभ बागरी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दो, बेच जनता की सेवा के लाने लड़े और भारी बहुमत से विजय हुई है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।